आज हुड्डा जो है, मेरे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन वो टोटली बीजेपी से मिला हुआ है और इस डर से उनके साथ है कि उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं और वो मुकदमों से डरा हुआ है। मेरे से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐलनाबाद के उपचुनाव में आपने देखा होगा, हमने देखा है कि 10-10 हज़ार रुपये प्रति वोट दिए, एक वोट के 10 हज़ार रुपये। बाबा राम रहीम को ये बाहर लेके आए हैं अभी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इससे कोई फ़ायदा हो सकता है? नहीं, नहीं। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ इनेलो के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। बालसमंद गांव में आए थे, इनेलो का प्रत्याशी है कोडाराम नंबरदार, उनके पक्ष में जोरदार भाषण यहां दिया गया। चौटाला साहब, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों को लेके, खूब बड़ा आंदोलन था, पूरी दुनिया में चर्चाएं थी, लेकिन सिर्फ INLD ने किसान नेता को टिकट दी है, बाकी पार्टियों ने किनारा कर लिया। कांग्रेस के खुद वो नेता थे, कांग्रेस में रहे थे, लेकिन जबकि कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया, INLD ने टिकट दी। अब आपको क्या लगता है कि जो किसान हैं इस हलके के, खास करके आदमपुर बेल्ट के, बालसमंद एक बड़ा गांव है सबसे बड़ा, ये कितना साथ देते हैं, कितनी उम्मीद है आपको? आपने स्वयं अपनी आँख से देखा होगा, लोगों का चाव, जोश और उत्साह इस बात को साबित करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार बहुत भारी मतों से जीतेगा। बीजेपी किसानों का मुआवजा नहीं दे रही है, उनका पैसा नहीं मिल रहा, आदमपुर खुद हल्के की हालत ख़राब है, लेकिन वोट मांगने के लिए तमाम बड़े नेता यहां पर आते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा रहेगा या मुद्दे किस तरह के रहेंगे? आपका बड़ा पुराना तजुर्बा रहा है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, और आप तो कार्यालय से ज़्यादा रोड पर ज़्यादा घूमते थे जब आप मुख्यमंत्री थे। आपसे विशेष रूप से एक बात कहूँगा कि आपसे बात करने में उनको दिक्कत आएगी तो भी नहीं कर सहन पड़ेगी। आप उनसे ये प्रश्न पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। असलियत जो मैंने आपके सामने व्यक्त की है, आप रोज़ देखते हैं कि विकास के नाम पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर कर्जा किस बात का है? साहब ये कहते हैं कि ये बदलाव का चुनाव है, उन्होंने अपने होर्डिंग पोस्टर भी सिर्फ ये लगाए कि बदल जाएगा सब कुछ, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, विधायक बदल जाएंगे, सत्ता बदल जाएगी, आपको लगता है इस बात में कुछ दम लगता है? हुड्डा की सरकार बनी थी हमारी सरकार जाने के बाद, तो फिर वो सरकार बदली कि नहीं बदली? तो आज हुड्डा जो है, मेरे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन वो टोटली बीजेपी से मिला हुआ है और इस डर से उनके साथ है कि उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं और वो मुकदमों से डरा हुआ है। मेरे से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन पर क्या क्या मुकदमे हैं, क्या हो रहा है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, अतीत में आप इनका देखो कि जब भी मौका आया ये बीजेपी के साथ मिले, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो। ये जो किसान विरोधी कानून जो बने हैं, ये प्रपोजल तो कांग्रेस की सरकार के वक्त की है, बीजेपी की सरकार ने जब इस पर वोटिंग करी तब तो भाग्य थे, गैर हाजिर हो गए थे। आपको लगता है सर कि जनता इन चीज़ों को समझती है या वोट देने के वक्त भूल जाती है? जनता भूलती नहीं है, जनता को बहका लेते हैं, बरगला लेते हैं, और इनके पास पाप का अनाप कनाप पैसा है। ऐलनाबाद के उपचुनाव में आपने देखा होगा, हमने देखा है कि 10-10 हज़ार रुपये प्रति वोट दिए, एक वोट के 10 हज़ार रुपये, और सारे पार्टियां जो थी चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होती हैं। ऐलनाबाद के चुनाव में आपने देखा होगा
कि सारी पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ इकट्ठी थी, क्योंकि इनके पास अनाप शनाप पैसा है, खूब पैसा बखेरते हैं। बाबा राम रहीम को ये बाहर लेके आए हैं अभी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इससे कोई फायदा हो सकता है? नहीं, उसको वो पैरोल पे आए हैं, पैरोल तो कैदी को मिलती है, इसलिए उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसको देख करके लोग और चिढ़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से सारी बेकायदगियाँ हुई थी। आम आदमी पार्टी के बारे में एक सवाल था चोटा साहब, वो कहते हैं कि हमारा दिल्ली में काम देखो, हमारा पंजाब में काम देखो, ये दो जगह के वो कहते हैं कि काम देख लो, हरियाणा में वोट दे दो, आप कैसे देखते हैं इनको? SYL पे हालांकि केजरीवाल ने कोई जिक्र नहीं किया। जो लोग ऐसी बात करते थे वो लोग तो वापस छोड़ गए इस पार्टी को, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि आज पंजाब की सरकार आपकी सरकार है। SYL का मेन मुद्दा है हरियाणा के अधिकारों के लिए, वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो वोट किस बात की मांगेंगे, और क्यों लोग वोट देंगे इनको? शुक्रिया सर, बात करने के लिए थे ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ILD के सुप्रीमो हैं, और थोड़ी देर पहले ही बाल संबंध में एक जोरदार भाषण देकर निकले हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग इनको देखने और सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। आप अपने कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहे कि पोस्ट।